सत श्री अकाल बच्चों, अज आपां जमात तीजी दा पाठ चौथा करन जा रहे हां। दीपू ने छुट्टी ली। पाठ नूं शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं एक जरूरी गल दसना चाहवांगी। जेकर तुसी इस तो पहला वाले पाठ देखना चाहुंदे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच दित्ता है, तुसी जाके देख सकते हो। आओ हुण पाठ नूं शुरू करदे हां। दीपू तीजी जमात विच पढ़दा सी। उसका मन पढ़ाई विच नहीं सी लगदा। उसका जी करदा सी कि ओह सारा दिन खेड़दा रहे, बस खेड़दा रहे। तितलियां नाल, चिड़ियां नाल, कीड़ियां नाल जा अपने हां दे बच्चियां नाल। रोज सवेरे जदों उसकी मम्मी स्कूल जाउन ली उठाउंदी तां ओह इक्को गल कहिंदा, मम्मी अज मैनू छुट्टी लै दिओ। उसकी मम्मी उसनू जवाब देंदी, तू कल्ला की करेगा, मैं कम ते जाना है, तेरे पापा ने भी कम ते जाना है, तेरे नाल दे सारे बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तू खेडेगा भी किस नाल। सारे चंगे बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर दीपू नूं अपनी मम्मी दी गल समझ नहीं सी आउंदी। दीपू कहिंदा, नहीं मेरा नहीं स्कूल जाउण नूं जी करदा, मैं अपने आप खेडदा रहांगा, बस तुसीं मैनूं स्कूलों छुट्टी लै दिओ। दीपू दी रोज़ रोज़ दी जिद्दो तंग आ के एक दिन दीपू दी मम्मी ने दीपू नूं छुट्टी लै दित्ती। दीपू बहुत खुश होया कि अज उसनू ना ता स्कूल जाना पवेगा और ना ही पढ़ना पवेगा। सवेरे उठ के ओह पज्जा पज्जा बाग विच गया। दीपू ने बाग विच देखिया, मधुमक्खियां फुल्लां ते मंडरा रही सन। दीपू ने एक मक्खी नू कहा, प्यारी मक्खी आ जा मेरे नाल खेड। मक्खी ने अगो जवाब दिता, ना बई ना, मैं ता वेली नहीं, मैं ता शहद इकट्ठा करना है। यह कह के मधुमक्खी अपने काम विच लग गई। फिर दीपू दी नज़र अपने गुआंढियां दे कुत्ते मोती ते पई, जेड़ा तेज तेज भज्जिया आ रहा सी। दीपू ने मोती नू कहा, आ जा मोती आपां दोवें खेड़िए। अगो मोती ने जवाब दिता, मैनू वेल नहीं, मैं ता अपने मालक दे घर दी रखवाली करनी है, जल्दी उत्थे पहुंचा किधरे चोर ही ना आ जावे। यह कह के मोती अखो ओले हो गया। फिर दीपू दा ध्यान एक चिड़ी वल गया। ओह अपनी चुंज विच तिल्ला फड़ी उड़दी जा रही सी। दीपू ने चिड़ी नू कहा, आ पैने चिड़िए आपा दोवें खेड़िए। चिड़ी ने कहा, मैनू ता सिर खुरकन दी वेल नहीं, मैं बारशा आउन तो पहला अपना आलना बनाउना है, जी मैं तेरे नाल खेडन लग पई ता मैं अपना आलना नहीं बना सकांगी, तू ता लगदा है ही वेला। एह कह के चिड़ी फुर करके उड़ गई। हुन दीपू दी निगाह कीड़ियां ते पई। ओह अपने मुंह विच अनाज दे दाने चुकी कतार बनी जा रही सन। दीपू ने हुन कीड़ियां दा तरला किता, आ जो निकियो कीड़ियो कुछ पल मेरे नाल खेड लो, मेरा खेडन नूं बड़ा जी कर रहा है। कीड़ियां ने उत्तर दिता, साडा ए भोजन इकट्ठा करन दा समय है, असी वध तो वध भोजन आपनियां कुड़ां विच इकट्ठा करना है, तां जो औखे समय विच असी भुखियां ना मरिए। सानू वेल किथे, असी तां कम नाल लदियां पियां हां। एह कहिंदियां कीड़ियां अपनी चाले तुरियां गईयां। दीपू उन्हां नूं देखदा रहा। दीपू बहुत उदास होया, कोई भी उस नाल खेडण लई तैयार नहीं सी, सारे अपने कम्मी रुझे होए सन, कल्ला ओही वेला सी। ओह दोपहर तक इकल्ला घूमदा रहा।
दोपहर नूं जदों उसदे मम्मी घर आए तां दीपू ने उन्हां दे अंदर आउण सार कहा, मम्मी मैं हुण कदे छुट्टी नहीं लवांगा, रोज़ स्कूल जावांगा ते मन ला के पढ़ांगा। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਦੀਪੂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਬੱਚੋ, ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪੂ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦੀਪੂ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ। ਦੀਪੂ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੀਪੂ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੀਪੂ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਉੱਤਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖੁੱਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੱਲ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਬੱਚੋ, ਹੇਠਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਊੜਾ, ਸਾਰੇ ਡੈਸ਼ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਚੰਗੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐੜਾ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਡੈਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਮੰਡਰਾ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਈੜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੀ। ਆਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੀ। ਸੱਸਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਪਈਆਂ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਲੱਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਾਂ। ਹਾਹਾ, ਦੀਪੂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਰਲਾ, ਦੀਪੂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਸਮਝੋ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਚਿੜੀ, ਚਿੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚਿੜੀਆਂ। ਬੱਚਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀੜੀ, ਕੀੜੀ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਆਏਗਾ ਕੀੜੀਆਂ। ਮੱਖੀ, ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਮੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਮੱਖੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤਿੱਤਲੀ, ਤਿੱਤਲੀ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਤਿੱਤਲੀਆਂ। ਕੁੱਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕੁੱਤੇ। ਆਲਣਾ, ਆਲਣੇ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਆਏਗਾ ਆਲਣੇ। ਦਾਣਾ, ਦਾਣੇ। ਆਓ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੱਲ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਊੜਾ, ਦੀਪੂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਦੀਪੂ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐੜਾ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀਪੂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੀਪੂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਈੜੀ, ਦੀਪੂ ਨੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਦੀਪੂ ਨੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆ ਭੈਣੇ ਚਿੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਡੀਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੱਸਾ, ਦੀਪੂ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਦੀਪੂ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ,
दीपू इस लई उदास हो गया क्योंकि कोई भी उस नाल खेडन लई तैयार नहीं सी। आओ बच्चो हुण वधदे हां आपां अगली एक्सरसाइज वल। अगे ऊड़ा सूची विच पाठ विच आए जीवां जीव जंतुआं दे नां दित्ते गए हन। ऐड़ा सूची विच जड़ा जड़ा काम कर रहे सन ओ काम लिखिया गया है, इन्हां नूं मिलो। बच्चो आपां नूं दो सूचियां दित्तियां गईयां हन, ऊड़ा ते ऐड़ा। ऊड़े दे विच जीव जंतुआं दे नां लिखे गए हन अते ऐड़े दे विच जिहड़ा काम ओह करदे हन ओह लिखिया गया है। आपां ने इन्हां जीव जंतुआं नूं उन्हां दे काम दे अनुसार आपस विच मिलाउणा है। आओ फिर शुरू करदे हां। उदाहरण के तौर पर मधुमक्खियां नूं शहद नाल मिलाया गया है। मधुमक्खियां बच्चों की करदियां हन, शहद इकट्ठा करदियां हन। इसे तरह आपां बाकी शब्दों नूं भी आपस विच मिलावांगे। कुत्ता, दसो बच्चो कुत्ता की काम करता है? रखवाली, आपां ने पाठ विच भी पढ़िया सी। चिड़ियां, दसो बच्चो पाठ विच चिड़ियां की कर रही सन? आलना बनाउण दा काम कर रही सन। इस तरह असी चिड़िया शब्द नूं आलना शब्द नाल मिलावांगे। कीड़ियां, दसो बच्चो कीड़ियां की इकट्ठा कर रही सन? भोजन। इस तरह असी कीड़िया शब्द नूं भोजन शब्द नाल मिलावांगे। आओ वधदे हां हुण अगे। ठीक वाक अगे सही दा निशान लगाओ। बच्चो आपां नूं हरेक वाक दे हेठां तीन ऑप्शनां दित्तियां गईयां हन। आपां ने सही ऑप्शन दी चोण करके उस दे सामने ठीक दा निशान लगाउणा है। आओ फिर शुरू करदे हां। ऊड़ा दीपू स्कूल नहीं जाना चाहुंदा सी क्योंकि उसका स्कूल दूर सी। उसका जी करदा सी कि सारा दिन खेडदा रहे। उसनू सवेरे जल्दी उठना पैंदा सी। दसो बच्चो इस विच केड़ी ऑप्शन बिल्कुल सही है? उसका जी करदा सी कि सारा दिन खेडदा रहे, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। असी इसके सामने ठीक दा निशान लगावांगे। उसका स्कूल दूर सी, उसनू सवेरे जल्दी उठना पैंदा सी, यह ऑप्शन गलत हन। ऐड़ा मधुमक्खियां दीपू नाल नहीं खेड सकदियां सन क्योंकि उन्होंने शहद इकट्ठा करना सी, ओह थकियां होईयां सन, उन्होंने आपस विच खेडना सी। दसो बच्चो इस विच केड़ी ऑप्शन सही है? उन्होंने शहद इकट्ठा करना सी, यह ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओह थकियां होईयां सन, उन्होंने आपस विच खेडना सी, यह ऑप्शन गलत हन। ईड़ी कुत्ता दीपू नाल नहीं खेडना चाहुंदा सी क्योंकि उसनू दीपू चंगा नहीं सी लगदा। उसका मालिक घर बैठा होया सी, उसने अपने मालिक दे घर दी रखवाली करनी सी। इन तिन्ना ऑप्शनां विच्चों सही ऑप्शन है उसने अपने मालिक दे घर दी रखवाली करनी सी। असी इस दे सामने ठीक दा निशान लगावांगे। उसनू दीपू चंगा नहीं सी लगदा, उसका मालिक घर बैठा होया सी, यह ऑप्शन गलत हन। ससा चिड़ी दीपू नाल नहीं खेड सकती सी क्योंकि उसनू दीपू दी आवाज नहीं सुनाई दिती सी। उसने अपना आलना बनाउना सी, उसका आलना टिक पिया सी। दसो बच्चो इस विच केड़ी ऑप्शन सही है? उसने अपना आलना बनाउना सी, बिल्कुल ठीक। असी इसके सामने सही दा निशान लगावांगे। आहा कीड़ियां दीपू नाल नहीं खेड सकदियां सन क्योंकि बच्चो अपने कोल ऑप्शनां हन, उन्होंने अपना भोजन इकट्ठा करना सी, ओह अपनियां खुड्डां विच बैठना चाहुंदियां सन, उन्होंने दूर जाना सी। इस विच सही ऑप्शन है उन्होंने अपना भोजन इकट्ठा करना सी। असी इस दे सामने ठीक दा निशान लगावांगे। बाकी दोनों ऑप्शन गलत हन। दीपू छुट्टी वाले दिन किस किस कोल खेडण लई गया? तरतीब वार दसो। बच्चो आपने सारा पाठ पढ़िया है, उस दे अनुसार आपने दसना है कि दीपू सब तो पहला किस कोल गया, उस तो बाद ओ किस कोल गया। आओ आपां शुरू करदे हां। सब तो पहला दीपू खेडण लई मधुमक्खियां कोल गया। मधुमक्खी ने खेडण नूं ना कर दित्ती, कहा कि मैनूं वेह नहीं। उस तो बाद दीपू खेडण लई मोती कुत्ते कोल गया। मोती कुत्ते ने भी खेडण नूं ना कर दित्ती। उस तो बाद ओह चिड़ी कोल गया।
चिड़ी ने भी खेडन नू ना कर दिता। उस तो बाद ओह कीड़िया कोल गया। इस तरह दीपो वारी वारी सब कोल गया। बच्चो ए सी साडा पाठ दीपो ने छुट्टी ली ते उसका पाठ अभ्यास। जेकर तुहानू मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो नू लाइक शेयर ते मेरे चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलना। धन्यवाद।